नमस्ते दोस्तों, आज तारीख है हमारी 4 मई 2021 और 7:56 अभी हुए हैं। वैसे तो मेरे को लग रहा था कल से कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है थ्रोट में, तो मेरे को आज लग रहा है कि मेरे को शायद कोविड है या सिम्टम है थोड़े से। कल मेरा चोक्ड है, आज मतलब मान लो कि मेरा पहला या दूसरा दिन है, पहला दिन तो मान के चलो क्वारंटाइन का, मैं अपने रूम में क्वारंटाइन हूँ। ये मेरे भगवान शिव हैं पीछे जो मैंने लगा रखे हैं, ये देखो आओ मेरी बनाई हुई पेंटिंग है, मेरे पिता हैं। और अब ये एक तो हो गया है तो इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, जो जो जरूरी है। एक स्माइल से बात शुरू करते हैं, अच्छी सी स्माइल से बात शुरू करते हैं। मेरे को तो अपनी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मेरे को सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। बच्चे बाहर हैं, वाइफ ऊपर है किचन में, सर्वेंट अपना काम कर रहे हैं, बच्चे लोग जो काम करते हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। मेरे को 15 दिन मिले हैं यहाँ पे चुप अकेले रहने के लिए, अकेले चुप रहने। तो मैंने अभी बैठे बैठे जैसे मैं आ गया था 5:30 बजे अपने रूम में, तो मैं कुछ सोच रहा था, तो मैंने एक लिखा है कि जीवन क्या है। जीवन क्या है? जीवन एक यज्ञ है, इसमें अपने आप को जलाकर आग जलानी पड़ती है, अपने आप को जलाकर आग जलानी पड़ती है। जीवन एक अवसर है, अवसर, इसमें साहस, संकल्प और श्रम जो आपको करना ही पड़ता है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को स्टैंड करना, खड़ा करना पड़ता है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, सहारे लेने पड़ते हैं अलग अलग चीज़ों के, लेकिन जीवन एक यज्ञ है जिसमें खुद को जला के, खुद को अपने आप को जला के उस अग्नि के अंदर काम करना पड़ता है। और जीवन एक अवसर है बहुत खूबसूरत, इसको अपने साहस, अपने संकल्प और अपने शर्म से इसको अवसर को अपना बनाना पड़ता है। साथ ही जीवन एक वरदान है, लेकिन चुनौतियों के साथ, सारी चुनौतियों, जितनी चुनौतियों, जितनी भी चुनौती, सारी चुनौतियों को स्वीकार करके सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आ जाए घबराना नहीं पड़ता, सारी चुनौतियों को स्वीकार करके उसको सामना करना पड़ता है। जीवन एक महान संघर्ष है, बहुत लोगों ने संघर्ष किया। हम देखते हैं अपने जीवन में बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने हैं, बड़े 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 लोगों को तो छोड़ दो, अपने घर में ही बड़े सारे संघर्ष, लोग संघर्ष करते देखते हैं, कभी तुम्हारा माँ, कभी तुम्हारे पिता, कभी उनके संघर्ष का, वो जो संघर्ष करते हैं उसका आप फ्रूट खा रहे होते हो, उनके संघर्ष का, तो उस फ्रूट के अंदर उसके उनके संघर्ष का जूस देखो, उनकी जर्नी देखो, उनका जूता पहन के देखो, तभी तुमको जीवन एक महान संघर्ष दिखेगा। जीवन एक महान संघर्ष है, उसमें सारी शक्तियों को इकट्ठा करके, सारी शक्तियों को इकट्ठा करके काम करना पड़ता है, तभी आप जीतोगे, तभी आप जीतोगे। जीवन एक जागरण है, जागरण जिसमें आपको जागना पड़ेगा, जब तक आप जिंदा हो तब तो आपको, तब तक आपको जागना पड़ेगा, जागरण है, इसमें आपको खुद जागना पड़ेगा। जैसे यज्ञ में खुद जलना पड़ेगा, अवसर में अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, संकल्प इकट्ठा करना पड़ेगा। जीवन एक वरदान है, सारी चुनौतियों से आपको खुद लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ने आएगा, आपकी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। जीवन एक संघर्ष है, उसमें आपकी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध है, युद्ध है ये। और जीवन एक जागरण है, अपने अंदर का जागरण है, अपने अंदर को जगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जागते रहो आंखें खोल के, अपने अंदर के जागरण को जगाना पड़ेगा। जो तुम्हारे में अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी एसेट समझना पड़ेगा, जो बुरी चीज़ें हैं उनका कभी धुतकारना नहीं पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन एक गीत है, जैसे एक म्यूजिशियन संगीत की साधना करता है, वैसे आपको भी अपने संगीत की साधना करनी है। जीवन के संगीत को बड़ा करने के लिए, बहुत बड़ा और बड़ा करने के लिए साधना करनी पड़ेगी, तभी आपका गीत मधुर होगा, खूबसूरत होगा, जिसको आप तो सुन सकोगे, आप भी सुनोगे, दूसरे लोग भी सुनेंगे। नहीं तो जीवन एक लंबी धीमी मृत्यु है, लंबी धीमी मृत्यु है। जीवन वही हो जाता है जो आप उसके साथ करते हो। हमारा छोटा सा लालच कई बार हमारा पूरे जीवन को खराब कर देता है। तो अपने आप में एक पॉज का बटन होता है, उस पॉज को कुछ भी करने से पहले एक बार अपने आप को पॉज कर लेना जरूरी है। जीवन वही हो जाता है जो आप उसके साथ करते हो। जीवन तो खुद ही बनाना पड़ता है।
खुद ही बनाना पड़ेगा, अगले क्षण का पता नहीं है लेकिन खुद ही बनाना पड़ेगा। आप ही आर्किटेक्ट हो, आप ही स्कल्प्टर हो, आप ही आर्टिस्ट हो अपने जीवन को बनाने के लिए। जीवन का रोज निर्माण करना पड़ता है। आपको देखना है आपने अपना जीवन कितना महान, कितना खूबसूरत, कितना विशाल बनाना है, क्योंकि दुनिया आपका तो इंतजार कर रही है, दोनों हाथें फैलाए, दोनों हाथों फैलाए दुनिया आपको बुला पकड़ रही कि आओ मैं मुझसे कुछ लो और मुझको कुछ दे जाओ। तो हम कुछ देने वाले तो है नहीं, दुनिया तो कह रही मुझसे कुछ ले जाओ, ले जाओ। तो जीवन को खूब आनंद से जियो। मैं इस वक्त एक क्वारंटाइन में हूँ लेकिन मैं इस वक्त को आनंद कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट किया है टोटली। मेरी जितनी इम्यूनिटी होगी मैं इसको झेलूँगा, लड़ूंगा इसके साथ, लेकिन जितना चलूँगा उतना खूबसूरत चलूँगा, खूबसूरत। आप सब अपने अपने घर पे रहें, सुखी रहें। ये एक वॉर है, वॉर है, ये इंसान का बनाया हुआ एक वायरस है, एक वेपन है। जैसे लोग मिसाइल बनाते हैं वैसे एक इंसान का बनाया हुआ, किसी देश की मूर्खता के कारण उसने पूरी सारी मानव सभ्यता को मुश्किल में डाल दिया है। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोगों के लोग दुखी हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग कुछ असहाय हैं। वो जीत गए हैं जिन्होंने ये वेपन बनाया है, वो अपने हिसाब से तो जिन्होंने ये बीमारी बनाई है अपने लैब के अंदर बैठ के। अगर भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान ही उसका तोड़ निकाल देता, 1000% आपकी बॉडी उसका तोड़ निकाल देती। लेकिन ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ एक वायरस है, समझना पड़ेगा। इसके लिए जो जो जरूरी है, जो एंटीबायोटिक्स खाने हैं खाओ, जो अपने शरीर के साथ काम करना है पानी पीना, जो भी कुछ एक्सपायर जो डॉक्टर कहता है करो। लेकिन जिसने ये वायरस बनाया है वो जीत गया है, लेकिन वो जीता है अपने घर के अंदर। ऊपर की अदालत में वो नहीं जीत पाया, ऊपर की अदालत में वो सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है। और उसका रिजल्ट आपको देखो, ये दुनिया गोल है, यहां से चलते हैं हम, यहां पहुंचते हैं, यहां से चलते हैं हम, यहां पहुंचते हैं। दुनिया गोल है, चकोर नहीं है, चपटी नहीं है, टेढ़ी नहीं है, पत्ती नहीं है, सीधी नहीं है, खड़ी नहीं, सिर्फ गोल है। हम जहां से चलते हैं वहीं चलते हैं, हमारे पास हमारा हर जीवन का किया हुआ कर्म हमारी आंखों के हमारे सामने आता है, जीवन में आता है। जिसने किया है, जिसने ये जिसकी ये सोच है, जिसकी सोच रही है, उस उनको अभी मिल रहा है। आपको अगर उनको जहां से बन के आए उनके आस पड़ोस देखो, वो सब बर्बाद है, खंडर होते जा रहे हैं, खंडर। आप अपने जूस को, अपने प्यार के अंदर के, अपनी करुणा को, जूस को की टैंकी भर के रखो, प्रेम की टैंकी भर के रखो, अपनी स्माइल की टैंकी भर के रखो। इस फाइट से लड़ो, आप हमारे इस फाइट से लड़ के तो इसके आगे और बड़े सारी युद्ध आने वाले हैं, बहुत तो युद्ध आने वाले हैं, उनसे भी आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक बड़ी छोटी लड़ाई है, इसके बाद शायद इससे बड़ी लड़ाई हो। अभी हमने बहुत कम मौतें देखी हैं, अभी हम इस वक्त इस पोजीशन पे हैं कि हम कुछ बैठ सकते हैं। शायद हम 2 साल बाद अगर कुछ ऐसी समस्या आए, हम घर के अंदर ही ना बैठ पाए, ऐसी समस्या आ जाए, आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये युद्ध है तो आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपको अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज उसने वार किया है, उसको सह लो, उसको सह के जब आप वार करोगे तो वो सह ना सके, ऐसा वार करना, मेरी आंखों में देखो ऐसा वार करना, वो सह ना सके, वो स्माइल करो। और आप सब मेरे साथ खुश रहो, मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ जुड़ो जितना जुड़ सकते हो, आपको भी मजा आएगा, मुझको भी मजा आएगा। हरिओम, धन्यवाद।